गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग निकले एक राइड पे। मेरे ख्याल से NH44 के तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। तो मैं और निखिल साथ में है, वो सामने में अपनी हिमालयन पे है और मैं अपनी एक्सपल्स पे। उसकी ब्रांड न्यू हिमालयन 450 है। तो बस एक आज वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश जैसा है, बस बारिश ना हो। सो आगे धीरे धीरे अपडेट देते जाऊंगा। अभी हम लोग NH44 रूट के तरफ बोला है वो जाएंगे, और मुझे ये नहीं पता कि कौन से स्पॉट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस ये लीड कर रहा है। तो अभी देखेंगे, बस बारिश ने गड़बड़ नहीं करने को ना, क्योंकि वेदर बारिश का ही है। बट वेदर बहुत अच्छा है, राइडिंग के हिसाब से वेदर बहुत ही सही है, क्योंकि गर्म नहीं हो रहा है। अभी कैसा है कि जैकेट पहनो तो काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन ये वेदर में बहुत सही लग रहा है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अभी बस कंटिन्यू सिग्नल रहेंगे, एक बार हाईवे लग गया तो फिर टेंशन ख़त्म। ये एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर है, और इसके ऊपर से ही अभी हम लोग जाएंगे। अब देखते हैं, ये शायद कितना किलोमीटर है मुझे तो नहीं पता, बट अच्छा खासा लंबा तो है। बट एक है कि जो नीचे से जो ट्रैफिक है उससे काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव स्क्वायर के तरफ जाता है, और यानी नीचे से अगर जाओगे आप नीचे के रोड से तो काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता पड़ता है, और काफ़ी सिग्नल और ट्रैफिक भी बहुत होता है यानी ऑफिशियल आवर्स पे। तो ये बहुत एक बहुत सही चीज़ हो गई है कि यहाँ से वक्त बच जाएगा जिन जिन को यानी इस डायरेक्शन से जाना होता है स्पेशली सिटी के बाहर। ये बहुत सही चीज़ हो गई है ये डबल डेकर फ्लाईओवर की। होप ज़्यादा विंड नॉइज़ ना आए, क्योंकि इसमें हेलमेट में चिन बटन नहीं है। यह आ गया ऑटोमोटिव स्क्वायर, नीचे में था, पीछे में गया, जहाँ तक यू टर्न लेना पड़ेगा। हाँ, ऑटोमोटिव स्क्वायर के लिए यू टर्न, लेकिन हमको जाना है सीधा। अब रोड खुला मिला, पीछे तक के तो मेट्रो का काम लग रहा था, तो अभी ये कामठी साइड में हम लोग पहुंचेंगे। आगे में कामठी एरिया है। रोड ये जबलपुर वाला रोड है, और यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चालू है मेट्रो का। सो इन फ्यूचर अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ तक के है ये मेट्रो। और अभी बस हाईवे पे निकलने के मतलब लग तो गया है, लेकिन प्रॉपर वाला खुला रोड अभी मिलने का है। ये कामठी में आ गए हम लोग, तो कामठी तक के गाइस मैं आया हूँ, बट इसके आगे मैं कभी गया नहीं, यहाँ तक के तो मैं आया हूँ। जबलपुर भी गया था, तो बहुत साल पहले गया था, बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए। तो उसके बाद मैं अभी ये जबलपुर रोड से ट्रैवल कर रहा हूँ। ग्रीनरी देख के तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही मस्त लगता है आँखों को कि ग्रीनरी जब देखो तो। ये आ गई ये कनान नदी है। पहले उस तरफ से हुआ करता था ये रोड, ये नया वाला रोड है।
सही है। यह है हैदराबाद मंसर और मंसर वाला रोड। अभी हम हैदराबाद वाले रोड पे एंट्री की है। अब अच्छा लग रहा है बाहर निकल के सिटी के। हैदराबाद मंसर रोड और सिटी के बाहर आने के बाद बड़ा सही लग रहा है। ऐसी ग्रीनरी देखो तो भाई पूरा दिल खुश हो जाता है। बाइक राइडिंग का यही तो एक सबसे बड़ा मज़ा है। और अभी कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम हम दोनों लंबी राइड पे निकले, यानी वो तो जाता है लंबी राइड पे लेकिन मैं नहीं जाता था, तो आज मैं फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में लंबी राइड पे निकले हुए हैं। नहीं तो यूजली तो हम लोग साथ में घूमते हैं, बस राइडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कभी भी साथ में नहीं की है। और हमेशा पिलियन ट्रैवल करते थे, यानी डबल सीट ट्रैवल कर, यानी घूमते थे हम लोग। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दो अलग अलग गाड़ी लेके घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मिस करते ना इस चीज़ की, देखो अगर आप, आपका बड़ी अगर आपके साथ है पिलियन, तो कंटिन्यू एक दूसरे से बातें कर करके टाइम निकल जाता है। और बहुत अच्छा लगता है कि कंटिन्यू बातें करते करते जाओ, बहुत मस्त लगता है। लेकिन अभी कैसा इंटरकॉम है नहीं, तो वो अपने गाड़ी पे, मैं अपने गाड़ी पे, बस जाए जा रहे। तो अभी कल इसने भी सेम चीज़ बोला यार, बोले इंटरकॉम होना था करके। लास्ट एक छोटा सा एक राइड किए थे लास्ट टाइम हमने, ज़्यादा नहीं 25-30 किलोमीटर ही गए थे। तो उस समय हमको महसूस हो गया था, क्योंकि हम बोला ना जैसे कि हम दोनों कभी भी पिलियन ही जाते थे मोस्टली, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दो इंडिविजुअल बाइक्स लेके जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि भाई इंटरकॉम होना था। ये ना कैसा है, बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी कैसे भी करके अभी वो पहले लेना ही पड़ेगा इंटरकॉम, उसके बाद में बाकी का देखते हैं। दूसरा ये कि अभी मैंने एक बैग कैरी किया हूँ जिसमें बस एसेंशियल्स है, और उसको मैंने पिलियन सीट पे बांध के रखा हूँ वो बैग को। तो उसका एक ही बेनिफिट है कि मुझे ऐसी टेकने के लिए मिल रहा है पीछे में। बट एक ये जो टॉप बॉक्स है, ये जो इसने जेवी रेसिंग का टॉप बॉक्स लगा के रखा हुआ है, ये टॉप बॉक्स मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैं ये अभी ऑर्डर कर दूंगा। क्योंकि बैग है ना काफ़ी हेवी हो गई है, और अगर कहीं उतर के चलने की बारी आ गई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वाटर, पानी के बॉटल्स मैंने कैरी किया हूँ और उसी का वेट ज़्यादा है, बाकी तो इतना नहीं है, बट पानी के बॉटल का ही ज़्यादा वेट है। तो ये अगर टॉप बॉक्स अगर होता तो बहुत अच्छा हो जाता था। इसमें कैसा हेलमेट वगैरह भी रखने मिल जाता था, जैकेट वैकेट भी डाल सकते कहीं जहाँ कहीं क्योंकि रुक जाएंगे वहाँ पे। बट ठीक है, अभी घर जाते से ही मैं ऑर्डर कर दूँगा, और सब में पहले तो यही लूँगा मैं एक टॉप बॉक्स। भाई साहब आगे का नज़ारा इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ। अभी मैं सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहा है, और ये जो है सिल्लारी गेट और पुरसा पार, ये दो जंगलों के तरफ में जाता है। तो जहाँ तक अभी मुझे अंदाज़ा आ गया कि हम लोग जहाँ तक सिल्लारी गेट के तरफ जा रहे होंगे या फिर पुरसा पार। तो अभी देखता हूँ अगर आगे जाके हम लोग रुके कहीं पे थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, तो पूछूँगा कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। बट जहाँ तक, या तो सिल्लारी गेट जाएंगे नहीं तो पुरसा पार जाएंगे, दो में से एक। सो देखते हैं।
बरसात के सीजन के बाद की ग्रीनरी है ना, बहुत देखने लायक होती है और बहुत खूबसूरत लगता है। अभी ये देखो ना, हर जगह जहाँ देख रहा हूँ वहाँ ग्रीन ग्रीन सब हरा भरा लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर। सामने में वो जंगल का नज़ारा तो देखो, जो पहाड़ है और पूरा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, वो भी बरसात के बाद का। ग्रीनरी तो भाई देखने लायक है, सुंदर एकदम। ये आ गया फर्स्ट टोल गेट, अभी यहाँ से बाइक वाला लेन का आ गया वो देखना पड़ेगा। ये है कॉर्नर में, चलो अभी बाहर निकल गए। फ्रूट्स वालों का सेलर, ये एरिया कौन सा है मुझे मालूम नहीं है। भाई भी अपना व्लॉगिंग कर रहा है, बट यहाँ से जंगल शुरू होता है क्या, अभी एक बार उसको पूछना पड़ेगा कि इधर से जंगल शुरू होता है क्या। अगर वो रुक गया, उसको पूछता हूँ कि जंगल कहाँ से शुरू हो जाएगा। क्या है ये देखो, यहाँ से मेरे ख्याल से फॉरेस्ट शुरू हो गया है। यही तो खास बात है, ये है ना कॉशियस सावधान वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग, फॉरेस्ट तो शुरू हो गया है। स्लो होने क्यों बोल रहा है, क्या चार बावली गेट, चार बावली गेट जा रहे हैं ना। तो अभी देखते हैं अगर यहाँ पे कौन से वाइल्ड एनिमल्स में से कोई दिखता है क्या, तो देखते हैं। बहुत सही लग रहा है भाई यहाँ से, क्या पता फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ यहाँ से। गाँव भी है यहाँ पे अंदर, ये जंगल का मजा ही अलग है यार। ये होगा शायद निकल रहे हैं अभी। खूबसूरत जगह लगी जाने में, छोटा सा ही रास्ता था जहाँ से ये, फिर बाद में एंट्री अलग से है जंगल में, वहाँ बाइक नहीं लेके जा सकते, सफारी होती है। तो अभी ये देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन। वाह यार बहुत ही सुंदर है ये नज़ारों में, ये नज़ारे आपको बाइक या फिर कार से ही मिल सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। टाइगर क्रॉसिंग, तो
सही में बाइकिंग का जो एक ये है ना, जो लोगों को जो जुनून चढ़ जाता है बाइकिंग का कि डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो यही नज़ारे हैं जो जिनके लिए क्रेविंग होती है सबसे ज़्यादा, कि जंगल की खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती। इन रोड पे जगह जगह पे एनिमल क्रॉसिंग के बारे में बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये बोर्ड तो टूट भी गया, बट जगह जगह पे एनिमल क्रॉसिंग के बारे में बोर्ड लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा देख के गाड़ी चलाया करो यहाँ से। अभी पीछे में, अभी जब मैंने चेक किया तो माइक नीचे में चले गया था। अभी पता नहीं यार कितना विंड नॉइस कैप्चर किया इसने, इसका अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नया हेलमेट भी लेना ही पड़ेगा अभी ये, नहीं तो वैसे हेलमेट की ज़रूरत नहीं थी। ये पीछे में खुरसा पार जंगल था और ये दरगाह है। एक हल्का सा ब्रेक ले लिया था पीछे में 5-1 मिनट का, अच्छा खासा रेस्ट भी हो गया। अभी पानी पीने की जो ज़रूरत महसूस हो रही है, और बैग मैंने पूरा इससे बांध के रखा हुआ है बंजी कॉर्ड से, और बॉटल है उसके अंदर में। अब उत्तेजे के लिए पूरी बंजी कॉर्ड खोलो और बॉटल निकालो उसमें से, ये झंझट का काम हो गया ये। तो यही बोला ना कि राइड में, ये छोटे छोटे राइड में ये सब चीज़ें समझ में आती है कि अपन क्या गलती कर रहे और क्या नहीं। सो, अभी कहीं रुक के एक हाथ बॉटल ले लेंगे पानी की, और फिर पानी वानी पी के आगे निकलेंगे। अभी देखते हैं, अगर कहीं आगे में रुकने के लिए मिला तो रुक लेंगे। अब ये हम पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, यानी लिटरली फर्स्ट टाइम हूँ। तो भाई साहब अभी क्या अनुभव होगा क्या नहीं अभी पता नहीं, बट मज़ा आएगा यहाँ से गाड़ी चलाने में।